Namaste India, a warm welcome to Civil Aspirant YouTube channel. In this video, I will talking about important movies for UPSC examination. If you are an aspirant of UPSC Civil Service examination, then definitely through this video you will learn something new. Video के अंदर मैं आपको जितनी भी movies के बारे में जानकारी दूंगा, अगर आप इन movies को देखते हैं, तो आपका नजरिया समाज के प्रति बदल जाएगा और आपका vision और कुछ और ही होगा इन मूवी को देखने के बाद में। वीडियो को कंटिन्यू करो उससे पहले अगर आपने चैनल को विजिट नहीं किया है तो जाके इसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को देखिएगा, यहाँ पर आपको हर प्रकार का कंटेंट मिल जाएगा और अधिक जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों हम चलते हैं एक एक करके मूवी की लिस्ट को देखते हैं। सबसे पहले मैं जिस मूवी का नाम लेने वाला हूँ वो है जय भीम। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जिक्र कर दिया था एक वीडियो के माध्यम से। IMDB की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग है, IMDB की 9.7 की रेटिंग के साथ में ये मूवी अभी इंडियन सिनेमा के अंदर तहलका मचा रही है। बहुत से IAS ऑफिसरों ने इसको पर्सनली ट्वीट करके इसको रेकमेंड किया है। रिसेंटली मैंने IAS सृष्टि देशमुख है उनके ट्वीट को भी आपको दिखाया था, ट्वीट नहीं इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से काफ़ी लोग इसको रेकमेंड कर रहे हैं। इस मूवी को आप जरूर देखिएगा। इस मूवी को देखने के बाद में आपका नज़रिया ट्राइबल सेक्शन की तरफ जाएगा, ट्राइबल सेक्शन के साथ में क्या होता है, और ये मूवी एक रियल स्टोरी के ऊपर बनी हुई है, तो इस मूवी को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों अगले नंबर पे मैं जिस मूवी का नाम लेने वाला हूँ वो है न्यूटन। 2017 में रिलीज होती हैं, IMDB की 7.8 की रेटिंग के साथ में ये मूवी ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी हैं। मूवी के अंदर आपको पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव जैसे बेहतरीन एक्टर की अदाकारी देखने को मिलेगी। मूवी के अंदर आपको नक्सलवादी एरिए के बारे में जानकारी मिल जाएगी, वहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या होती है वोटिंग की, वोटिंग वहाँ पर कैसे होती हैं और उन लोगों की ज़िंदगी कैसी हैं उसके बारे में आपको एक अच्छे तरीके से जानकारी मिल जाएगी। अगर आप एक UPSC के एस्पिरेंट हैं तो आपको इन मुद्दों को पढ़ना तो पड़ता ही है, पर उनके नज़रियों को समझने के लिए ये मूवी आपकी हेल्प कर सकती हैं। दोस्तों जैसा कि हमने एक पहले वीडियो किया था उसके अंदर मैंने एक आपको फ्री सब्सक्रिप्शन के बारे में जानकारी दी थी। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि प्रेप लेटर यूट्यूब चैनल के ऊपर एक फ्री क्लासेज होने वाली हैं ज्योग्राफी को लेकर, और अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको पहले से जानकारी पता होगी, उस जानकारी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो भी व्यक्ति उस लाइव क्लास को अटेंड करेगा ज्योग्राफी के लिए उस क्लास में से मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और जो भी व्यक्ति उसका सही जवाब देगा, वो जो फर्स्ट नंबर पर उसका सही जवाब देगा उसको करीब 9 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, वो भी प्रेप लेडर के एप्लीकेशन के माध्यम से। प्रेप लेडर जो कि UPSC के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंडिया के बेहतरीन टीचर से पढ़ने का आपको मौका मिल जाएगा। और जैसा कि हमने बोला था उस क्लास से हम सवाल को पूछेंगे, वो क्लास हो चुकी थी और अभी जो सवाल है वो मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। और एक बार मैं आपको पढ़ के भी दिखा दूँ, खैर आपको इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ दिस डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। ऑप्शन ए रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ऑप्शन बी चेंजिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑप्शन डी गुड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, जो भी फर्स्ट रैंक पर इसका जवाब देगा उसको मेरी तरफ से 9 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और एक बात, किसी एक व्यक्ति को मिलेगा इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास में मौका नहीं है। आज शाम को फिर से एक क्लास होने वाली है प्रेप लेटर यूट्यूब चैनल के ऊपर, लिंक नीचे मिल जाएगी। अतुल गर्ग सर जो कि एथिक्स की क्लास लेंगे एप्टीट्यूड के टॉपिक के ऊपर, उस क्लास को आप डेफिनेटली देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से एक सवाल लेके आएंगे, उसका आपको फिर से जवाब देना पड़ेगा और आपको फिर से एक सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल जाएगा। इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से काफ़ी लोगों को हेल्प भी होगी और एक कॉन्टेस्ट के माध्यम से आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और आपको नीचे प्रेप लेटर एप्लीकेशन की भी लिंक मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, जाके विजिट जरूर करना। सो दोस्तों हम जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे वो थी बेहतरीन मूवीज़ के बारे में। हमने जय भीम और न्यूटन मूवी के बारे में जानकारी ले ली थी। अगले स्तर पर मैं जिस मूवी का नाम लेने वाला हूँ वो है मसान। जो भी व्यक्ति हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते होंगे उनको मसान के बारे में जानकारी होगी, जहाँ पे डेथ बॉडी को जलाया जाता है उसको मसान बोलते हैं, जगह को। ये मूवी है, ये 4 लोगों की ज़िंदगी के ऊपर बनी हुई मूवी है। इसके अंदर आपको पंकज, इसके अंदर आपको विक्की कौशल जैसे बेहतरीन एक्टर की अदाकारी देखने को मिलेगी, साथ में आपको श्वेता त्रिपाठी, संजय मिश्रा जैसे बेहतरीन एक्टर की अदाकारी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी के अंदर भी यही दिखाया जाता है, एक शेड्यूल कास्ट के लड़के और एक ब्राह्मण कास्ट के एक लड़की के बीच की ज़िंदगी को दिखाया गया है। काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टिंग है
और एक रियलिज्म के ऊपर बनी हुई मूवी है। मूवी को देखते हुए आपको, आप अगर ऐसी मूवी देखना पसंद नहीं करते जो कि धीमी गति से चलती है, तो आपको थोड़ी बहुत बोरियत फिर हो सकती है, पर अगर आप ऐसी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कामगर सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, हमने तीन मूवी के बारे में जानकारी ले ली। अगले स्तर पर मैं जिस मूवी का नाम लेने वाला हूँ वो है तेजस्विनी। साउथ इंडिया की एक मूवी है तेजस्विनी, एक IAS ऑफिसर के ऊपर बनी हुई मूवी है और कुछ लोगों का यह भी दावा है कि ये एक रियल स्टोरी के ऊपर बनी हुई मूवी है। खैर, इस मूवी को देखते हुए थोड़ा बहुत ऐसा लगता नहीं है, बट हाँ, किसी एक रियल IAS ऑफिसर के स्टोरी से इन्फ्लुएंस हो रखी होगी ऐसा मैं मानता हूँ। इस मूवी को आप देख सकते हैं, आपको ये मूवी है, आपको यूट्यूब के ऊपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो जाके आप इस मूवी को भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमने तीन मूवियों के, चार मूवियों के बारे में जानकारी ले ली है। अगले स्तर पर मैं जिस मूवी का नाम लेने वाला हूँ वो है हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम मूवी जो कि इरफान खान जैसे लेजेंडरी एक्टर के द्वारा इसके अंदर एक्टिंग की गई है। इस मूवी को देखते हुए आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझ पाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का क्या रोल है इसको आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो गलतियाँ हैं उसके ऊपर एक बेहतरीन तमाशा के तौर पर यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसी तरह की एक और मूवी है, इस तरह की मैं आपको दो मूवियाँ और दिखा रहा हूँ। एक मूवी है जो कि परीक्षा है, परीक्षा मूवी जो कि पिछली बार रिलीज हुई थी, प्रिक्स जी एप्लीकेशन के ऊपर, G5 एप्लीकेशन है उसके ऊपर लॉन्च हुई थी ये, और एक OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च हो रखी मूवी है, काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है। इस मूवी को देखते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील तो हो गई। इसके अंदर एक IPS ऑफिसर गरीब बच्चों को पढ़ाता है और वहाँ से किसी एक होनहार बच्चे का बड़ी स्कूल के अंदर दाखिला होता है। इसकी स्टोरी बेस के ऊपर बनी हुई मूवी है, शानदार मूवी है। इसके बाद में जिस मूवी का नाम लेने वाला हूँ वो है आरक्षण। आरक्षण मूवी आपने, अगर आप पुराने मूवियों के शौकीन होंगे तो आपको पता होगा, आरक्षण मूवी जो कि अमिताभ बच्चन की लेजेंड एक्टिंग के साथ में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको ST SC एक्ट, साथ में आपको OBC के ऊपर जो मिला हुआ आरक्षण है, उन दोनों के बीच के मतभेद के ऊपर बनी हुई मूवी है। खैर, ये रियलिज्म के ऊपर, रियलिटी के ऊपर बनी हुई मूवी नहीं है, पर हाँ, आपको आरक्षण की अच्छी समझ तो देगा, साथ में आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझाती हुई मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अगले स्तर पर मैं जिस मूवी का नाम लेने वाला हूँ वो है नील बट्टे सन्नाटे। इस मूवी को आप देख सकते हैं, एक अच्छी स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी, एक IAS ऑफिसर के बनने के ऊपर एक बनी हुई जिंदगी है, बनी हुई फिल्म है, देख सकते हैं। अगले स्तर पर भी जिस मूवी का नाम लेने वाला हूँ वो है लंच बॉक्स। इस मूवी को मुझे जहाँ तक पता है, खासकर जो ऐसे लोग जो कि ऐसे मूवियाँ देखना पसंद नहीं करते, उनको ये मूवी समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा धीमी गति से चलती है, पर ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में काफ़ी अच्छी मूवी है। दोस्तों, हमने एक मूवी और, जो मूवी मैंने आपको दिखाई है वो कहीं ना कहीं रियलिज्म के ऊपर बनी हुई मूवी थी, लेकिन इसके साथ में मैं आपको कुछ एक मूवियाँ फास्ट में बता देता हूँ, जिसके अंदर आप 3 इडियट, तारे जमी पर, इन टाइप की मूवियों को देख सकते हैं, साथ में आप सरफरोज मूवी को भी देख सकते हैं। पर खैर, हाँ, इन मूवी को देखते हुए आपको कहीं पर भी कोई सोशल इश्यू समझ में नहीं आएगा, कोई भी सोशल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको जितनी भी मूवीज़ दिखाई है वो कहीं ना कहीं रियलिज्म के ऊपर बनी हुई मूवी थी, सोशल स्ट्रक्चर को समझाती हुई मूवी थी। और आप में से बहुत से दोस्त मुझे कमेंट कर रहे होंगे कि जो सबसे पहले मुझे मूवी बतानी थी वो आपने बताई नहीं, आपसे ही सोच पा रहे हैं, शादी में ज़रूर आना। इस मूवी का मैंने जिक्र नहीं किया और लोग सोच रहे होंगे कि इस मूवी के बिना तो ये वीडियो अधूरा है, और UPSC अगर पास करना है तो शादी में ज़रूर आना देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपका डाउट यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, जो शादी में ज़रूर आना मूवी है वो UPSC के पर्सपेक्टिव में मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता। कारण ये है कि जो UPSC का जो एग्ज़ाम है वो आपको आपके अंदर के मोटिवेशन से क्लियर होगा, ना कि बाहरी मोटिवेशन से। शादी में जरूर आना मूवी IMDB की करीब 6 समथिंग की रेटिंग के साथ में मूवी है। इसको न तो कोई इंटरनेशनल, ना ही कोई नेशनल लेवल पर कोई अवार्ड मिलते हैं, नेशनल लेवल पर इसको मिर्ची रेडियो के अवार्ड मिलते हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। कारण ये है कि मूवी कहीं पर भी समाज के किसी भी इशू को नहीं दिखाता है, पर्सनल जिंदगी को दिखाता है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई रियलिटी हो सकती है किसी के ज़िंदगी में। अगर दिल टूटने से या फिर किसी छोटी सी फील्ड में अगर आपको धोखा मिलने से अगर आप IAS एग्ज़ाम निकाल देते तो आई थिंक हर गली के अंदर एक IAS ऑफिसर डेफिनेटली होता। तो ऐसी कोरी बातों से कुछ मतलब नहीं है, और मैं तो ये मानता हूँ कि बड़े कम जल्प होते हैं वे गुब्बारे जो छंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई क्या छू लेते हैं, अपनी औकात ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको तो पैराशूट की तरह उड़ना है, और जब ज़रूरत हो तो आप लैंड भी कर पाए, जब ज़रूरत हो तो आप वापस से आसमां की ऊंचाइयों को भी छू लें, ऐसा आपको बनना है और देश को सर्व करना है। तो ऐसे छोटे छोटे मूवियों को आपको अपने सपनों के बीच में ला के अपने आप को थोड़ी देर के लिए मोटिवेट नहीं करना है। पर खैर, हाँ, एंटरटेनमेंट के तौर पर आप देख सकते हैं, आपको अच्छे म्यूजिक, आपको एक अच्छे डायरेक्टर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको जो भी मूवियाँ दिखाई है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन के तौर पर मैं ये मानता हूँ, अगर आप इनको देखते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा।
आप में से बहुत से दोस्त मुझे बोलते हैं कि इन सबके लिंक नीचे दे दो। दोस्तों कॉपीराइट का इश्यू आता है, अदरवाइज में ऐसे भी मैं आपकी हेल्प कर देता। और हमारा जो चैनल है वो एजुकेशनल चैनल है, यहाँ से आपको हमेशा एजुकेशनल कंटेंट ही मिलेगा। आपको इनको देखना है तो आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, किस माध्यम से देखना है वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। हम ऐसे ही वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। उससे पहले अगर आपको सब्सक्रिप्शन जीतना है तो उस वाली क्लास को जरूर देखना, क्योंकि अगला वीडियो उसके ऊपर वापस से बनेगा, उसी क्लास से एक क्वेश्चन आपको पुट किया जाएगा, तो आप मिस मत कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। यूट्यूब चैनल की लिंक नीचे मिल जाएगी उनकी। सो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में आपकी और हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए जय हिंद।